हेलो हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 4 करेंगे, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू द ग्रुप में, कि किस तरह से एक जैसी वस्तु को हम ग्रुप में उसको डिफाइंड करते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, वी हैव सीन दैट आवर फूड्स एंड क्लोथ हैव सो मच वैरायटी इन देम, कि हम क्या करते हैं, जो देखते हैं अपने आसपास, अपने फूड को, क्लोथ को, जो अपने आप में बहुत सारी वैरायटीज़ को रखते हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ, ना कि केवल फूड और क्लोथ, दे आर ए सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एवरीवेयर, कि अलग अलग तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो हमें मोस्टली मिल जाते हैं। वी सी अराउंड अस ए चेयर, हम क्या देखते हैं कि जैसे हम अपने आसपास क्या देखते हैं, चेयर्स को देख सकते हैं, पुलक कार्ड को देख सकते हैं, साइकिल को, कुकिंग यूटेंसिल्स को, बुक्स, क्लॉथ, टॉय, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड यूजेस, और वो क्या होते हैं, अपने आप में अलग अलग तरह के क्या होते हैं, कलर में, शेप में और यूजेस के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे आप ये देखो कि जो ये ऑब्जेक्ट है अराउंड द अर्थ, जैसे ये क्या है, टम्बलर है, ये ग्लास है, ग्लास है, ठीक है, ये हमारे क्या है, मोबाइल फ़ोन है, ये डिस्क है, ठीक है, लॉक है, ये टॉय है, और ये क्या है, ग्लास बॉल है। तो हमें क्या देते हैं, अपने आसपास ये चीज़ें दिखाई देते हैं। लुक अराउंड द आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट्स आर राउंड शेप, अब हमें देखना है कि इसमें कौन कौन सी राउंड शेप्स की हैं, जैसे ग्लास है, इसमें राउंड शेप, एक डिस्क है, एक ये पोट्स है, एक बॉल है, तो ये सब राउंड शेप्स में है। आर लिस्ट में भी था इंक्लूड ए रबर बॉल, फुटबॉल एंड ए ग्लास मार्बल। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, आर लिस्टेड कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल्स, ऑरेंज एंड ए अर्थन पिक्चर्स कड़ा। तो हम क्या करते हैं कि जो हम इसके अलावा भी चीज़ें देख सकते हैं आसपास, एप्पल को देख सकते हैं, वो गोल होता है, ऑरेंज होता है, ठीक है, अर्थन ए पिक्चर्स होता है जिसको हम गड़ा बोलते हैं, ठीक है। सपोज वी आर तो लुकिंग फॉर द ऑब्जेक्ट दैट आर एलिडेबल, तो ये क्या होते हैं सारे, जो यदि देखें एलिडेबल की बहुत सारे होते हैं, जो खाने वाली चीज़ें होते हैं, गोल, ऑरेंज, एप्पल्स, ठीक है। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम दैट वी हैव लिस्टेड इन द टेबल 1.1, 1.2, 1.3, चैप्टर 1 में हम देखा है कि बहुत सारे आइटम्स होते हैं कि जो क्या होते हैं, हमने लिस्टेड में क्या किया था कि हमारे कौन कौन से होते हैं, वेजिटेबल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, नॉन वेजिटेबल कौन से होते हैं, तो हमें टेबल में क्या था। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट एंड ऑल्सो दिस ग्रुप, अब जो भी हमें अपने आसपास चीज़ें दिखाई दे रही है राउंड शेप में, तो हमें क्या उसको लिस्ट आउट करना है और ग्रुप में डालना है। लेट अस से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ द प्लास्टिक, वो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ग्रुप को बनाना पड़ेगा जिसमें हम क्या करेंगे, प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे, जैसे पकेट, कौन कौन सी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें, कि हमारे पैकेट्स हो सकते हैं, लंच बॉक्स हो सकते हैं, टॉय हो सकते हैं, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मेरी सस ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड ए प्लेस इन द ग्रुप, ठीक है। दे आर सो मैनी वे टू ग्रुप ऑब्जेक्ट, किसी भी ग्रुप को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप में रखने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, वेज होते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स और मेटेरियल एंड दे आर मेड फ्रॉम, हम क्या कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं, उनकी शेप के अकॉर्डिंग, उनके मेटेरियल के अकॉर्डिंग और किस चीज़ से बने हैं उसके लिए। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन एंड मोर मेटेरियल, हमें पता है कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट्स होता है हमारे आसपास, एक या एक से ज़्यादा मेटेरियल के बने होते हैं। दीज मेटेरियल में भी ग्लास, वो ग्लास का भी हो सकता है, मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का, वुड का, कॉटन का, पेपर, मड, मिट्टी का, सोयल का। कैन यू थिंक दैट मोर एग्जाम्पल ऑफ मेटेरियल, क्या आप बहुत सारे मेटेरियल के बारे में बता सकते हो। अभी एक्टिविटीज़ 1 है, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स आर पॉसिबल, हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा जितना भी हम पॉसिबल हो सके फॉर्म अराउंड अपने आसपास से। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास रूम, फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, वो हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम अपने घर से मिल सकते हैं, या कोई हमें कहाँ से मिल सकते हैं, स्कूल से, क्लासरूम से कलेक्ट कर सकते हैं या स्कूल के बाहर भी। व्हाट विल बी वी हैव इन आर कलेक्शन, क्या होगा यदि हमें हम क्या करेंगे, इन कलेक्शन को कलेक्ट करेंगे,
जैसे चाक क्या क्या चीज़ मिल सकती है उसमें हमें, जैसे हमें मिलेगी चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हम्पर। जो चाक पेंसिल कहाँ से मिलेगी हमें, स्कूल से मिल सकती है, नोटबुक वो स्कूल से घर से दोनों से मिलते हैं, रबड़ भी घर से मिल सकती है, डस्टर हमें स्कूल क्लासरूम से मिल सकता है, हम्पर घर से मिल सकता है, नेल वो भी हमारे हाउस से मिल सकते हैं, सोप हाउस से, स्पोक द व्हील ये किसी शॉप पे जाके घर पे मिल सकता है, ठीक है। बैट हो गया, मैच बॉक्सिस हो गया, साल्ट होगा, पोटैटोज होता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सभी जगह से मिल सकती है। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी थिंक सो बट कैन नॉट ब्रिंग टू क्लासरूम। और बहुत सारे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जिसके बारे में हम सोच तो सकते हैं लेकिन हमें क्लासरूम में हम उसको नहीं ला सकते। कौन कौन से ला सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे वाल, वाल को ला सकते हैं नहीं, ट्री पेड़ को उठा के नहीं ला सकते, डोर को नहीं ला सकते, ट्रैक्टर रोड, क्योंकि सिर्फ हम उसे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सब ऑब्जेक्ट्स हैं। सेपरेट ऑल द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम द पेपर एंड द वुड। जो भी हम चीज़ों को सेपरेट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को, हम उसकी कलेक्शन को ये देखेंगे कौन से पेपर से बने हैं, कौन से वुड से बने हैं, उसके अगर पेपर पेपर वाले को अलग अलग रखेंगे और वुड वाले को अलग। दिस वे वी हैव द डिवाइडेड इनटू ऑल ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप। तो हम क्या करना पड़ेगा, इन सारे जो ऑब्जेक्ट्स को क्या करना पड़ेगा, ग्रुप में दो ग्रुप में बना देंगे, एक पेपर वाले और एक वुड वाले। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द पेपर और द वुड व्हाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड ऑफ द दिस मेटल। ये कहना चाह रहा है कि जो दो ग्रुप बनाएगा, एक तो ऐसे बनाने पड़ेगा जो पेपर पेपर है या वुड के बने हुए हैं, ठीक है, और दूसरा ग्रुप होगा जो इन चीज़ों से नहीं बनाया। तो वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेरिंग फूड। और हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें भी सेपरेट कर सकते हैं जो क्या है कि हमें खाना बनाने के काम आ रही है, जैसे साल्ट हो गया, पोटैटो हो गया, तो ये क्या होगा, हमारे खाना बनाने के काम आएगी। लेट अस बी द लिटिल मोर सिस्मेटिक। और हम क्या करना पड़ेगा, उसको एक थोड़ा सा एक सिस्मेटिक फॉर्म में लगाएंगे। लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट कलेक्टेड। और हमें क्या होगा, सारे ऑब्जेक्ट कलेक्ट हो गए हैं इन द टेबल 4.1। ट्राई टू आइडेंटिफाई द ए मेटेरियल दैट ईच वन ऑफ द मेड ऑफ इट वुड बी द फन टू मेक दिस द लार्ज टेबल। ये कह रहा है कि हम क्या करें, जो भी हमने चीज़ें अरेंज किया, जो भी हमें मिले, हम उसको टेबल में क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और जितना ज़्यादा हमें मेटेरियल मिलेगा तो उसको कलेक्ट करने में उतना ही मज़ा आएगा और उसकी लार्ज टेबल बनाने में उतना ही मजा आएगा। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एट मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल है। और हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें जानने के लिए ज़रूरी है। इट इज़ मे सीन डिफ़िकल्ट टू फाउंड आउट मेटेरियल आउट ऑफ द विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आर मेड। और कभी कभी हमें बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिफ़िकल्टीज हो जाती है कि कौन सा मेटेरियल, कौन सा ऑब्जेक्ट किस मेटेरियल से बना है। इन सच केस हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स से, टीचर से, पेरेंट्स से, टू आइडेंटिफाई द मेटेरियल। हमें उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट इस मेटेरियल से बने हैं। जैसे इसमें टेबल में हमारा 4.1 ऑब्जेक्ट एंड मेटेरियल दैट मेड, जैसे प्लेट है, थाली कहते हैं उसको, स्टील की बनी हो जा सकती है, ग्लास की, प्लास्टिक्स की, किसी अदर से, पेन प्लास्टिक का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है। जैसा एक टेबल, हम टेबल देखें तो किस किस की बनी हो सकती है, वो प्लास्टिक की भी हो सकती है, ठीक है, स्टील की भी हो सकती है और वो वुड की भी हो सकती है, ठीक है। अब चेयर, सपोज करो हम चेयर देखें तो वो भी टेबल की भी हो सकती है, ठीक है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है। तो हमें इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम उसके बारे में बता सकते हैं। अब इसमें क्या है, एक्टिविटीज़ टू, टेबल 4.2 लिस्टेड सम कॉमन मेटेरियल। हमने क्या क्या इसमें लिस्ट किया, कुछ जी कॉमन सी मेटेरियल्स को। यू कैन ऑल्सो एडिट मोर मेटेरियल कॉलम 1 दैट आर नॉन एज। और आप क्या कर सकते हो, उसमें उसको और भी कॉलम ऐड कर सकते हो जो आप जानते हो। नाउ ट्राई एंड थिंक टू एवरी डे ऑब्जेक्ट यू नो। और आप क्या कर सकते हो, सोच सकते हो, ये ट्राई कर सकते हो, जो भी आप क्या सकते हो, एवरी डे सोचते हो किसी मेटेरियल के बारे में, दैट आर मेड मैनली ऑफ द दिस मेटेरियल एंड लिस्टेड दैम इन कॉलम 2। फिर हम उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लिस्टेड कर देंगे, ठीक है। अब हमें 4.2 टेबल दी गई है, ठीक है, ये तो इसमें क्या डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मेटेरियल से बना होता है। जैसे वुड है,
वुड वुड से क्या क्या वो चीज़ बन सकती है, चेयर बन सकती है, टेबल बन सकती है, प्लग बन सकता है, लकड़ बन सकती है और उसके पहिए बन सकते हैं। फिर पेपर से बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉय, कैंडल। फिर लेदर, लेदर से क्या बन सकता है, शूज़ हो गया, ठीक है, बैग हो गया, पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, ठीक है, लेदर से बन सकता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक से क्या बन सकता है, प्लास्टिक से हमारे बन सकते हैं चेयर, प्लास्टिक से हमारे क्या बन सकते हैं, चेयर्स बन सकती है, ठीक है, हमारे क्या बन सकते हैं, टेबल, टोए, ठीक है, बुक कैट, ठीक है। फिर कॉटन, कॉटन से क्या क्या बन सकते हैं, कॉटन से विक्स, जिसको बत्तियाँ बोल सकते हैं, कॉटन से साड़ी, ठीक है, कॉटन से बेड शीट, तो हम वो सारी चीज़ें भी इससे बन सकती है। वाट डू यू फाइंड फ्रॉम दिस टेबल, आप क्या ढूंढोगे कि ये टेबल कहाँ से आई। फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन द मैनी डिफरेंट वे, हमने क्या किया था, सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग वे में उसको ग्रुप किया। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड फॉर डिफरेंट मेटल, जो भी हम अपने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने देखे तो वो किससे अलग अलग मेटेरियल के बने हैं। एट टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द मेड ऑफ सिंगल मेटल, कभी क्या होता है कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक सिंगल ए मेटेरियल से बने होते हैं। एन ऑब्जेक्ट्स कुड बी मेड फॉर मैनी, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत सारे मेटल से बने होते हैं, जैसे चेयर, टेबल हो गया, प्लास्टिक की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, ठीक है, वुड की भी हो सकती है। एंड देन द अगेन वन मेटल कुड बी यूज फॉर द मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और एक मेटल को यूज करके हम बहुत सारी चीज़ों को भी बना सकते हैं। वाट डिसाइड विद द मेटल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट्स, क्या आप बता सकते हो कि कौन सा मेटल किसी एक ही कौन से ऑब्जेक्ट्स के लिए वो सही रहेगा बनाने के लिए। इट सीम दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मेटल, इसलिए हमें क्या जानना पड़ेगा, हमें ज़रूरी होगा कि हम अलग अलग मेटेरियल के बारे में बताएं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटेरियल, अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटेरियल। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है जो जैसे करेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे सपोज करो कोई कोई आदमी है, कोई बच्चा है, तो हम उसके बारे में देखेंगे कि वो कैसा है, उसकी हैबिट्स कैसी होगी, तो उसमें करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ भी मेटल की सेम होती है। उसके प्लस माइनस देखेंगे कि उसमें क्या वो छोटा है बड़ा है, तो ये देखेंगे, और मेटल के बारे में देखेंगे शाइनिंग है, डल है, किस टाइप का है और किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ हो रहा है। हैव यू एवर द वंडर कि वाई एक टम्बलर इज़ नॉट मेड विद द पीस ऑफ क्लॉथ, क्या आपको ये जानकर आश्चर्यजनक तक नहीं होगी कि जो टम्बलर है वो क्लोथ के पीस से क्यों नहीं बनाया जाता। रिकॉल आर द एक्सपेरिमेंट विद द पीस ऑफ द क्लोथ चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप टू द माइंड दैट वी जनरली यूज टम्बलर टू कीप द लिक्विड, जब हमने देखा कि चैप्टर 3 में देखा किसके बारे में, जो भी हमारे पीसीज थे क्लोथ्स के बारे में, उसके बारे में जाना, और हमारे दिमाग में यह आया कि जनरली जो टम्बलर होता है वो किसके लिए यूज होता है, किसी भी लिक्विड को रखने के लिए। देयर फॉर वुड बी नो बी सिली, या कोई मूर्खता नहीं हो गई कि इफ़ वी वर टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ द क्लोथ, कि हम क्या बनाए टम्बलर को क्लोथ से बनाए। वाट वी नीड फॉर ए टम्बलर इज द ग्लास, अब हमें पता है कि हमें ज़रूरत होगी टम्बलर के लिए, कि जो टम्बलर है किस चीज़ का बन सकता है, ग्लास का, प्लास्टिक का, प्लास कांच का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का होता है, और अदर सच मेटेरियल दैट विल बी होल्ड वाटर, जो वो उस वाटर को होल्ड कर सकें। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक द मेटल फॉर कुकिंग वेसल्स, और ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं होगी कि हम पेपर से बने कोई भी मेटल को, कोई भी खाने का सामान को रखने के लिए यूज़ करें, क्योंकि यदि हम उसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो यदि हम स्पार्क रखें तो वो जल जाएगा, या कोई हमें लिक्विड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ड्रोन हो जाएगा। वी सी देन कि दैट वी चूज ए मेटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट इज प्रॉपर्टीज़, इसलिए क्या होता है कि किसी भी मेटेरियल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किसके ऊपर डिपेंडिंग, उस मेटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि उसकी
प्रॉपर्टीज क्या है उस पर डिपेंड होता है, एंड दिस पर्पस विच इज़ द ऑब्जेक्ट टू बी यूज। और हमें ये पता होगा कि हमें किससे भी पर्पज़ को पता होगा कि हमें किस चीज़ के लिए यूज करना चाहिए। ग्लास है, ग्लास को हमें लिक्विड चीज़ों के लिए स्टोर करने की जरूरत, तो हमें क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि ग्लास किस तरह का होना चाहिए ताकि वो लिक्विड को स्टोर कर सके। तो हमें पता चलेगा कि ग्लास की जो प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, वो सॉलिड होने चाहिए ताकि वो लिक्विड फॉर्म को उसे स्टोर कर सके। सो वाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटेरियल वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूज। इसीलिए जो भी सभी प्रॉपर्टीज होगी मेटेरियल की, वो महत्वपूर्ण होगी कि हम उसको किस तरह से यूज करें। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस हियर, हमने क्या क्या बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या प्रॉपर्टीज होगी, अप्रियंसिस। तो सबसे पहले अप्रियंसिस, मेटेरियल यूजली लुक डिफरेंट फॉर्म द ईच अदर। हमें पता है कि जो मेटेरियल होते हैं वो एक दूसरे से क्या होकर डिफरेंट होता है। वुड लुक वेरी डिफरेंट फॉर्म आयरन, हमें पता है कि जो वुड होती है, लकड़ी होती है, वो किससे डिफरेंट होगी, आयरन से। आयरन अपीयर डिफरेंट फॉर्म द कॉपर एंड एल्युमिनियम। अब हमें पता है जो आयरन, यदि आयरन ही लोहे को हम देखें तो वो भी कॉपर एल्युमिनियम से पूरी डिफर्ड होगी। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन द आयरन कॉपर एंड एल्युमिनियम। अब कुछ ऐसी चीज़ें सिमिलरिटीज़ होगी आयरन में कॉपर में एल्युमिनियम के, दैट आर नॉट देयर इज द वुड, क्योंकि वो वुड में नहीं होगा, क्योंकि जो आयरन है कॉपर है और एल्युमिनियम है। तो क्या होगा, ये इनमें सब, ये सब मेटेरियल है, ठीक है, और क्या रखते हैं अपने में, शाइनिंग रखते हैं, इसलिए वुड से क्या बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक्टिविटी थ्री, कट स्मॉल पीसेस ऑफ द डिफरेंट मेटेरियल। हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे से पीस को अलग अलग, मतलब मेटेरियल के अलग अलग मेटेरियल को क्या करना पड़ेगा, छोटे से पीस को डिफरेंट मेटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम सीट एंड चाक। हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी भी, जब पेपर के, कार्डबोर्ड के, वुड या कॉपर वायर के, एक छोटे से मेटेरियल को लेना है, ठीक है। डू यू एनी दिस अपीयर शाइनिंग, क्या आप देखोगे कि इनमें से कौन सी चीज़ें शाइनिंग कर रही है। सेपरेट द शाइनिंग मेटेरियल इनटू द ग्रुप, हमने क्या किया, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड लिया, तो हमें इसमें देख कौन सी शाइनिंग करे, हमें पता कॉपर वायर शाइनिंग करेगी, एल्युमिनियम करेगी, ठीक है, एल्युमिनियम सीट करेगी। नाउ ऑब्जर्व एट द टीचर कट ईच द मैटर इंटू टू पीस, इसलिए हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि जो टीचर काट रहे हैं उस मैटर को टू पीस में, तो हमें उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, उसे हम ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा। लुक एट द ए फ्रेशली कट सरफेस, अब हमें देखना जो भी उस टीचर ने काटा है, तो हमें देखना पड़ेगा उसके फ्रेश जो भी काटा है उसके सरफेस को देखना है। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करोगे, आप देखोगे वो शाइनिंग कर रहा है जहाँ से उसको कट करेंगे। डज द फ्रेशी कट सरफेस ऑफ द सम ऑफ दिस मेटेरियल अपीयर द शाइनिंग, ये कह रहा है कि जो फ्रेशी कट, जो अभी अभी काटा है, जो आप उसके सरफेस को देखोगे तो क्या करेगा, वो एकदम शाइनिंग करेगा। इंक्लूडिंग दिस ऑब्जेक्ट्स आल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनिंग मेटेरियल, अब हमने क्या किया उस मेटेरियल को शाइनिंग ग्रुप में हमने उसमें इंक्लूड कर दिया उस ऑब्जेक्ट्स को। डू यू नोटिस सच ए शाइनिंग एंड ए लचर इन द अदर मेटेरियल, क्या आप नोटिस कर सकते हो कि जो ये शाइनिंग है या लस्टर है दूसरे मेटेरियल से। कट देम एनी वे एज यू कैन, कि आप दूसरे मेटेरियल को भी देख सकते हो, कट करके देख सकते हो। रिपीट दिस इन द क्लास विद द मैनी मेटेरियल्स एज पॉसिबल, और हम जाते जाते मेटेरियल को काट कर उसको सरफेस को देख सकते हैं। एंड मेक ए लिस्ट दोज विद एंड विदाउट द ये लस्टर, और फिर हम देख सकते हैं किस मेटेरियल में शाइनिंग और उस चीज़ में नहीं है। इंसिस्ट ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ द मेटेरियल विद द सैंड पेपर ऑफ द सीट द ए रस्चर, यदि आप उसको काटोगे भी नहीं तो उसके लिए हम क्या करोगे, सैंड पेपर से आप यदि उसको रब करोगे तो आपका जो फ्रेशनेस होगा तो वो आपको दिखाई देगा, तो क्या करेगा, वो शाइनिंग करेगा। जैसे ये दे रखे 4.2 में कट किया, तो ये क्या है, एक ये शाइनिंग कर रहा है इसका ये सरफेस, ठीक है। अब आगे मेटेरियल दैट हैव सच ए लस्टर आज द यूजली मेटल, जो भी मेटेरियल में चमक होगी तो वो क्या होगा, यूजली मेटल होगा, क्योंकि मेटल में मोस्टली शाइनिंग होती है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। अब हमें ये पता सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि जो मेटेरियल होता है वो कौन कौन से होते हैं, हमें पता है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड द गोल्ड किस चीज़ के एग्जाम्पल हो मेटल के। सब मेटल अपॉन द लॉस देयर शाइनिंग एंड द अपीयर, लेकिन कुछ जो मेटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं अपनी शाइनिंग को और अपने डलनेस क्या कर लेते हैं, शाइनिंग को खो देते हैं। और किस तरह दिखाते हैं डल, जैसे आयरन होता है तो आयरन में क्या होता है, जंग लग जाता है, तो अपर जो पार्ट होता है वो
डैमेज होती है, अपनी साइनी को करता है। लेकिन जब हम उसको कट करके देखेंगे, उसको फ्रेश सरफेस को देखेंगे या सैंड से उसको रब करके देखेंगे, तो हमें क्या करेगा, उसमें साइनिंग दिखाई देगी बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड द मॉइस्चर ऑन द डैम। क्योंकि ये क्यों हो जाती है, वो अपनी डल क्यों हो जाती है। जैसे आयरन होता है तो एयर के जब वो एयर मॉइस्चर के उसमें आएगा, किस में आएगा, एयर मॉइस्चर के संपर्क में आएगा, तो वो अपने क्या करता है, अपने लस्चर को खो देता है। वी देयर फॉर नोटिस द लस्चर ओनली ऑफ देयर इज द फ्रेशी कट सरफेस। और वो आपको कहाँ दिखाया गया लस्चर, जो फ्रेशी कट जो आपने अभी अभी वो सरफेस को काटा है उस पर दिखाई देगा। वैन यू विजिट एन द ए आयरन स्मिथ ओम द वर्कशॉप, कभी आप विजिट करो कहाँ पर, लोहार की दुकान पर, वर्कशॉप पर, एंड लुक आउट फ्रेशी कट सरफेस ओम द मेटल रोड टू सी इफ देयर हैव ए लस्चर। जब आप देखोगे कि जो वो लोहार काट रहा है वो वाले मेटल को, तो आप देखोगे उसमें अपनी एक लस्चर है, अपनी चमक है। हार्डनेस, अपने पता है मेटल होता है, यदि साइनिंग होता है तो उसमें कुछ में क्या होता है, हार्डनेस होती है। व्हेन यू प्रेस द डिफरेंट मेटल विद योर हैंड, जब आप किसी भी मेटल को अपने हाथों से प्रेस करके देखोगे, तो सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी इजिली कंप्रेस। जब आप देखोगे कि किसी भी मेटल को यदि आप प्रेस करोगे, कुछ तो क्या हो जाएगा, आसानी से कंप्रेस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। दे आर मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद देम, आप हमें एक मेटल की लीजिए और स्क्रैच करें इनको। सरफेस ऑफ द पीस ऑफ वुड को, एल्यूमिनियम को, पीस ऑफ द स्टोन को, एंड नेल्स को, कैंडल्स को, चाक को, एंड एनी अदर मेटल एंड ऑब्जेक्ट। अब जब आप एक मेटल की लेंगे, आपको स्क्रैच करेंगे, तो आप देखो कि वुड को का थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, एल्यूमिनियम है होगा, स्टोन हो गया, नेल्स होगा, तो इन पे क्या होगा कि स्क्रैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कैंडल होगा, चो होगा, तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, उसको स्क्रैच कर सकते हो, क्योंकि वो अपने आप में सॉफ्टनेस है। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम ऑफ मेटल वाइल सम द कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली, किसी को तो हम क्या नहीं कर सकते, जैसे इसलिए नहीं स्क्रैच कर सकते और किसी को आसानी से कर सकते हैं। मेटल विच कैन बी कॉम्प्रेस और स्क्रैच ईजिली आर कॉल्ड द सॉफ्ट। ये कह रहे कि जो भी मेटेरियल होता है जो आसानी से कंप्रेस हो जाए और आसानी से दब जाए और स्क्रैच्ड हो जाए, या आसानी से उसको स्क्रैचिंग की जाए, तो वो सॉफ्ट मेटल होगा। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। वाइल सम अदर मेटेरियल विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड द हार्ड, और जो आसानी से कंप्रेस दबाया भी नहीं जाता उसको, तो वो कौन से मेटल होंगे, हार्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड स्पॉन्ज इज ए सॉफ्ट वाइल आयरन इज द हार्ड। अब हमें पता है कि जो कॉटन है और स्पॉन्ज है, तो वो क्या आसानी से क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट है, क्योंकि आसानी से प्रेस भी हो जाएगा, आसानी से कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन जो हमारा आयरन होगा वो नहीं होगा। इन अप्लायंसेस ए मेटल कैन हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक ए रस्चर, हार्डनेस, बी रफ एंड स्मूथ। अब हमने अप्लायंसेस में देख लिया कि जो कुछ मेटल होता है अपने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कुछ रस्चर होते हैं, कुछ में चमक होती है, कुछ हार्डनेस होते हैं, कुछ रफ होता है, कुछ स्मूथ है। कैन यू थिंक ऑफ द अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब अपीयरेंसेस ऑफ मेटल, के आप और चीज़ों को भी बता सकते हैं। अब सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, जो चीज़ सोल्यूबल हो जाती है पानी में घुल जाती है, और जो इनसोल्यूबल मतलब जो नहीं होती। कलेक्ट एक्टिविटीज फोर है, कलेक्ट सैंपल ऑफ द सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, साल्ट एंड चाक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को सब्सटेंसेस को हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे शुगर हो गया, चीनी हो गई, साल्ट, नमक हो गया, चाक पाउडर हो गया, और सैंड हो गया, रेत हो गया, और सो डस्ट हो गया। ठीक है, टेक द 5 glasses सो डस्ट, सो डस्ट का मतलब वो लकड़ी का टुकड़ा। टेक द 5 glasses, अब हमें क्या लेना, 5 प्रकार के ग्लास स्पीकर लेना है। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट द 2/3 विद द वाटर, हमें क्या करना पड़ेगा कि एक को सबको 2/3 वाटर से उसको फिल करना पड़ेगा। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पंज स्पूनफुल ऑफ द शुगर ऑफ द 1st glass, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि उसमें क्या 1 चम्मच चीनी डालनी पड़ेगी, साल्ट 2 seconds, दूसरे में नमक डालना पड़ेगा, और सिमिलरली एड द स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस, और दूसरे को भी हमें अलग अलग करना पड़ेगा। स्टील द कंटेंट, अब उसको आसानी से हिलाना पड़ेगा, ईच ऑफ देम विद द स्पून से। वेट फॉर द फ्यू मिनट, हमें कुछ टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सब्सटेंसेस एडिड टू वाटर,
अब हमें देखना पड़ेगा कि उस जो भी हमने ऑब्जर्व किया है, मतलब जो भी हमने वाटर को ऐड किया है, तो उसमें हमें क्या चीज़ मिलेगी और क्या चीज़ होगी। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज सून एज द 4.3। अब ये देखो 4.3, ठीक है ये। तो इसमें देखा सॉल्ट डिसअपियर कम्प्लीटली इन द वाटर। हमें पता है कि यदि साल्ट है पानी में, हम उसको आसानी से खोलो, डिसअपियर हो जाएगा वाटर के साथ। शुगर, शुगर भी क्या हो गई, शुगर भी हमारी डिस अपियर्ड हो जाएगी इन वाटर में। सैंड क्या हो जाएगा, प्रजेंट रहेगी कि कम्प्लीटली वो क्या होगी, वो होगी हमारी प्रजेंट रहेगी। चाक पाउडर क्या होगी, वो भी क्या होगा, स्मॉल प्रजेंट। मतलब इसमें क्या होगा कि हमें कुछ तो भूल जाएगा, लेकिन कुछ हमें दिखाई देगी कि वो अभी है, क्योंकि वो थोड़ी नीचे बैठ जाएगा, हमें पता चलेगा इसमें चाक पाउडर थोड़ा घुला हुआ है। सार्डस क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, सीधा ही संक हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा और हमें अपियर दिखाई देगा, ठीक है, वो डिसोल्व नहीं होगा। यू विल नोटिस दैट सब सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर। अब हमने नोटिस किया है कि कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पूरी तरह से तो डिसअपियर हो गए और डिसोल्व इन द वाटर, ये पूरी तरह से घुल गए। वी से दीज सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। जो चीज़ें हमारी पानी में बिल्कुल ही क्या डिसोल्व हो जाए, तो उसको सोल्यूबल कहेंगे। जैसे हमारा साल्ट हो गया और शुगर हो गया। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर। जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते एंड डू नॉट अपियर इवन आफ्टर वी स्टील फॉर लॉन्ग टाइम दैट इज सब्सटेंसेस आर इनसोल्यूबल। और जो काफ़ी टाइम के बाद भी, उसको घोलने के बाद भी वो ना घुले पानी में, तो उसको इंसोल्यूबल कहेंगे। जैसे हमारे सोडक्स हो गए, चाक पाउडर हो गया, सैंड हो गया, क्योंकि वो हमारे पूरा अपीयरेंस से हमें दिखाई देगा। वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आर बॉडी। हमें पता है कि जो वाटर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, फॉलो करता है हमारे बॉडीज के लिए। बिकॉज इट कैन डिसोल्व ए लार्ज वाटर सब्सटेंसेस। बुक के बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, तत्वों को क्या करता है, वो घोलने में हेल्प करता है। डू लिक्विड आल्सो डिसोल्व इन वाटर। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जाते जाते लिक्विड को लेना चाहिए, ताकि वो किससे हो जाए, पानी में वो डिसोल्व हो जाए आसानी से। अब हमें क्या है, एक्टिविटीज़ 5। कलेक्ट द सम ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट एंड कैरोसिन एंड अदर द लिक्विड। टेक ए ग्लास टम्बल। हमें क्या है कि हमें ये सैंपल को लेना है, विनेगर सिरके को लेना है, लेमन जूस को लेना है, और हमें क्या ना सरसों के तेल को लेना है, नारियल के तेल को लेना है, और कैरासून ले मिट्टी के तेल को लेना है, दूसरे लिक्विड्स को। टेक ए ग्लास टम्बलर। हमें क्या करना है, एक ग्लास का बर्तन लेना है, फिल इट अप टू हाफ विद द वाटर, और हमें उसको आधा भरना है। एड ए स्पून फुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टिल द वेल। हमें क्या करना है कि उसमें कुछ कुछ लिक्विड एक एक चम्मच को हम उसको फिल करना है, और उसको स्टिल आसान वो अच्छी तरह से उसको हिलाना है। लेट अस स्टैंड फॉर द 5 मिनट। और हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी 5 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विद द वाटर। और आप ऑब्जर्व करो कि क्या लिक्विड मिक्स हो गया है वाटर में। रिपीट द सेम विद द अदर लिक्विड एज मैनी द डिफरेंट लिक्विड आर आल्सो अवेलेबल टू यू राइट योर ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें देखना पड़ेगा, ये हमें कौन सी एक्सरसाइज टेबल दिया है, 4.4, सोलेबिलिटी ऑफ द सम कॉमन लिक्विड इन द वाटर, कि कौन कौन से उसमें घुले। विनेगर क्या होगा, आसानी से मिक्स फैल हो जाएगा। लेमन जूस, ये भी हमारे क्या हो जाएगा, जब लेमन जूस, ये भी हमारे मिक्स फैल हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, ये हमारा डू नॉट मिक्स, ये मिक्स नहीं होगा, ये डू डज नॉट मिक्स, ये भी मिक्स नहीं होगा, और ये भी सेम, ये भी कैरोसिन भी सेम नहीं होगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी ऑयल होता है वो पानी में डिसोल्व नहीं होता, क्या, ताकि वो क्या करे, अपर में क्या होता है, फ्लोट करता रहता है, फ्लोट। सम लिक्विड मिक्स वेल विद द वाटर वाइल एंड द सम अदर डू नॉट। बी में क्या है कि जो क्या हुआ उसमें सोलेबल नहीं हुआ और फर्स्ट में सोलेबल हुआ है। वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट द कम्प्लीटली मिक्स विद द वाटर। जो हमने नोटिस किया है कि कुछ जो लिक्विड्स होते हैं वो कम्प्लीटली वाटर में मिक्स हो जाते हैं। सम अदर डू नॉट मिक्स विद वाटर, और दूसरे नहीं होते। फ्रॉम ए सेपरेट लेयर वैन द किप्ड असाइड फॉर द सेम टाइम। वो क्या कर लेते हैं, एक सेपरेट लेयर से बना लेते हैं, यदि हम कुछ टाइम के लिए उसको रख दें, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया ये, ठीक है, और ये हमारा कोकोनट ऑयल होगा। तो बूजर सजेस्ट दैट वी आल्सो चेक इफ द लिक्विड
दैट वी यूज एक्टिविटीज़ 5 मिक्स वेल विद द सम लिक्विड अदर देन वाटर। ये कह रहा है कि जो एक्टिविटीज़ 5 में जो भी कुछ तो आसानी से लिक्विड मिक्स हुए हैं, कुछ नहीं है। पहले क्यूरियस टू नो कि वेदर गैसेज आल्सो डिसोल्व इन वाटर। अब पहले बहुत ज़्यादा चाहिए है क्या गैसेज भी डिसोल्व हो जाती है वाटर में। सम गैसेज आर सोल्यूबल इन द वाटर वेयर अदर आर नॉट। कुछ तो जो होती है जो पानी में हम आसानी से क्या होते हैं घुल जाती है। वाटर यूजली हैव द स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ द सम गैसेज डिसोल्व, क्योंकि हमें पता जो वाटर होता है उसमें कुछ जो गैसें होती है वो डिसोल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिसोल्व इन द वाटर इन द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल एंड प्लांट आर द लिविंग वाटर। अब जो भी ऑक्सीजन होती है मोस्टली क्या होती है वो घुली होती है किसमें, पानी में। किसके लिए, ताकि एनिमल और प्लांट सर्वाइव कर सके। आप क्वेश्चन में ये भी पूछा सकते हैं कौन सी ऐसी गैस होती है जो पानी में डिसोल्व होती है और एनिमल और प्लांट के लिए सर्वाइव के जरूरी होती है, वो चीज़ है ऑक्सीजन। ऑब्जेक्ट में भी फ्लोट और द सिंक इन द वाटर, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे जो आसानी से जो क्या हो जाएगा फ्लोट करेंगे और जो सिंक हो जाएंगे। वाइल डूइंग एक्टिविटीज ऑब्जेक्ट्स मे बी फ्लोट ऑन द सिंक इन द वाटर, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे जो पानी में तैरेंगे और जो पानी में फ्लोट करेंगे। वाइल डूइंग थोड़ा सा इसका लगता है इसका ठीक है। वाइल डूइंग एक्टिविटीज 4 यू माइट हैव द नोटिस दैट द इनसोल्यूबल सॉलिड सेपरेट फॉर्म आउट ऑफ फ्रॉम द वाटर। ये कह रहा है कि जो भी इंसोल्यूबल सॉलिड्स होगा वो सेपरेट हो गए किससे, वाटर से। यू मे हैव आल्सो नोटिस दिस विद द सम लिक्विड एक्टिविटीज 5, और हम कुछ लिक्विड्स को देखेंगे, लिक्विड देखा है हमने 5 में ठीक है। सम ऑफ द दिस मेटेरियल डिड नॉट मिक्स, जो हमने देखा है कि जो ऑयल थे वो नहीं उसमें बिगिनर तो उसमें डिसोल्व हो गया, लेकिन जो मस्टर्ड ऑयल है कोकोनट ऑयल है वो उसमें डिसोल्व नहीं है। एंड द फ्लोटेड इनटू सरफेस ऑफ वाटर, और सरफेस के वाटर में फ्लोट किया उन्होंने। अदर मे वी हैव द संक टू द बॉटम ऑफ टम्बलर, और कुछ डूब गए किसमें, जैसे सैंड हो गया, ये चाक हो गया। वी नोटिस मे एग्जाम्पल ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट द फ्लोट इन और द सिंक, हम और भी एग्जाम्पल बता सकते हैं कि जो पानी में सिंक हो सकते हैं फ्लोट हो सकते हैं ठीक है। 4.6 में ड्राई लीव फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड, जब हम कोई भी ड्राई सूखी पत्तियों को सरफेस में डालें किसी पॉन्ड में, ए स्टोन दैट यू थ्रो इन टू द पॉन्ड, और यदि हमने किसको डाला स्टोन को डाला पॉन्ड में, तो ड्रॉप ऑफ द हनी दैट यू लेट ए फॉल इन टू द ग्लास ऑफ वाटर, और किसमें हो गया, लेकिन यदि हम हनी को डालेंगे तो क्या होगा, वो तो उसमें पूरी तरह से डिसोल्व हो जाएगा ठीक है। आप ये देखें तो कोई ये है इसमें दिया हुआ है, जैसे ये ड्राई लीव है, ये क्या है फ्लोट कर रही है, एक ये है ये टुकड़ा है ये फ्लोट कर, लकड़ी का हुआ, ये की है, ये इसमें कॉइन्स डाले हैं, तो ये क्या होगा सारे संक हो गए ठीक है। बूजो वुड लाइक यू टू गिव हिम द 5 एग्जाम्पल ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट द फ्लोट एंड द दोज दैट द सिंक इन द वाटर वाट इज अबाउट द टेस्टी। वो बूझो और बूझो क्या करना चाह रहा है, बूढ़ो बूझो क्या बता रहा है कि जो कुछ एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल बताओ जो कुछ सिंक होता है कुछ वो क्या होता है वो हमने फ्लोट करते हैं। तो फ्लोट कौन कौन से कर सकते हैं, जो हमारे जैसे हमारा नेल हो गया ठीक है, यदि उसको करेंगे तो क्या होगा, नेल किसकी, आयरन की सॉरी हाँ, जो सिंक होंगे और ये होंगे फ्लोट। तो सिंक कौन कौन से होंगे हमारे, आयरन, नेल ठीक है, मैग्नेट, स्पून और हमारे एक्सिस, क्योंकि वो हमारा स्टोन, तो ये सारे क्योंकि सिंक हो जाएंगे। और फ्लोट कौन कौन से करेंगे, वुड, ड्राई लीव, आइस क्यूब ठीक है, एम्प्टी
ग्लास, ठीक है, एम्प्टी ग्लास क्यों फ्लोट करेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो उसमें क्या होती है कुछ हवा भर जाते हैं, जिसके कारण वो उसको उसकी डेंसिटी किसके थ्रू वाटर के अकॉर्डिंग कम हो जाएगी, तो वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा। ट्रांसपेरेंसी यू वुड, अब दूसरी क्या है इसकी प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी, यू माइट हैव द प्ले द गेम टू हाइड एंड सीक, आप क्या करोगे जब आप सब आप क्या करोगे यदि आप हाइड एंड सीक को क्या करोगे खेल को खेलोगे, थिंक ऑफ द सम प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो यू आर नॉट सीन बाय द, आप क्या करोगे ऐसे स्थान को ढूंढोगे जहाँ पर आपका दोस्त आपको आसानी से नहीं देख सकता। वाई डिड यू चूज दोस प्लेस, आप उस प्लेस को क्यों ढूंढोगे, वुड यू हैव टू ट्राई हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो, क्या आप ग्लास विंडो के पीछे पीछे छिपना पसंद करोगे, ऑब्जर्वली नॉट, नहीं, क्योंकि एज योअर फ्रेंड कैन यू सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, क्योंकि जो आपको फ्रेंड है वो आपको आसानी से देख लेगा और आपको पॉइंट कर लेगा। कैन यू सी थ्रू द मेटेरियल, क्या आप बता सकते हो कि ऐसा कोई मेटेरियल होगा, दो सब्सटेंसेस आर मेटल, कि जो उनमें से कुछ तत्व मेटल होगा, थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, जिसमें हम आसानी से देखा जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं हमारा ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, तो उसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं जिसमें हम आसानी से देखा जा सकता है। दोस सब्सटेंसेस एंड मेटेरियल थ्रू विच द थिंग्स कैन बी सीन, जब हम आसानी से किसी भी चीज़ को आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट होता है। ग्लास वाटर एंड द एयर सम प्लास्टिक एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट, तो किस किस के एग्जाम्पल होंगे, जब वाटर होगा वाटर में जब आप देखोगे तो आप अपने चेहरों को आसानी से देख सकते हो, एयर एयर में भी देख सकते हो, सम प्लास्टिक्स और कुछ चीज़ें तो जो ट्रांसपेरेंट मेटेरियल होती है। शॉप कीपर यूजली प्रिफेयर टू कीप द बिस्किट स्वीट्स एंड अदर ए इटेबल इन द ए ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ द ग्लास, जो शॉप कीपर होता है ठीक है वो क्या करता है कि अपने जितने भी खाने के सामान को देखता है तो प्लास्टिक के कंटेनर में या ग्लास के कंटेनर में रखता है ताकि लोग बाग उसको देख के क्या करें उसको खरीदें, सो दैट बायर कैन ईजली सी दिस आइटम। ऑन द अदर हैंड दे आर आता सम मेटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, बहुत सारे कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसके आप आर पार नहीं दे सकते, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलेंगे हम ओपैक, ठीक है, ओपैक बोलेंगे। यू कैन नॉट टेल कि वाट इज कीप्ड इज द ए क्लोज ए वुडन बॉक्स, आप ये नहीं दे सकते कि आपके जो वुडन बॉक्स है उसमें क्या रखा है, एक कार्डबोर्ड कार्टन में क्या लिखा है या मेटल कंटेनर में क्या है, वुड कार्डबोर्ड एंड द मेटल आर एग्जांपल ऑफ ओपेक मेटल, आपको बता सकते पूछ सकते हैं कि ओपेक मेटल के कौन कौन से एग्जांपल हैं, तो वुड हो गया, कार्डबोर्ड होगा या मेटल होगा जिसमें आप आसानी से नहीं देख सकते। डू यू फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल द मेटल ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन एट द आइदर ओपेक एंड ए ट्रांसपेरेंट, अब हम आसानी से क्या कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को जो ओपेक है जिसमें आसानी से नहीं देखा जा सकता और ट्रांसपेरेंट जिसमें आसानी से देखा जा सकता है। एक्टिविटी 6, टेक ए शीट ऑफ द पेपर एंड ए लुक थ्रू ईदर टूअर्ड ए लाइटेड बल्ब, आप एक शीट लो पेपर की, आप उसको क्या करें, आप उसको लाइट बल्ब के पास से देखें, मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन और आप उसको ऑब्जर्व करें। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द सम ऑयल, अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस पेपर के ऊपर 2-3 बूंदे डालो तेल की एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ द पेपर और उस पर फैला दो। लुक अगेन द टूअर्ड द लाइटेड बल्ब थ्रू द पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन द विच द ऑयल हैव बीन स्प्रेड, जहाँ पे तेल को फैलाया है आप जब उसमें देखोगे तो कुछ हमें जो उसके सामने चीज़ें वो दिखाई देगी। डू यू फाउंड दैट द बल्ब इज द मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर, क्या आपको वो पूरी तरह से क्लियर दिखाया, नहीं दिखाया, बट कैन यू सी द क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, लेकिन हम जो पहले देखा हमने पेपर उस पर क्लियर नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब ऑयल पेपर उस पर ऑयल कुछ ड्रॉप डाली तो हमें थोड़ा क्लियर दिखाई दिया। इज द एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ दैट इज विजिबल, क्या आपको जो दूसरी साइड में थिंग्स लिखे क्या आपको विजिबल है, नहीं, परहैप्स नॉट, नहीं। द मेटेरियल, अब ये कह रहे हैं कि जो भी मेटेरियल है थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली और नो एट ट्रांसलूशन, जो भी चीज़ें होती हैं हमें दिखाई तो देती है लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं होती, उसको ट्रांसलूशन कहते हैं। रिमेंबर दैट ऑयली पैचेस ऑन द पेपर वैन बी टेस्टेड, अब आप याद करो कि जो भी ऑयली पैचेस थे ठीक है
पेपर पर आपने उसको टेस्ट किया था जो फूड उसके अंदर रखा था, ठीक है, किसमें, जब हमने फैट का क्या हुआ टेस्ट किया था, दैट आर ए ट्रांसलूशन, उसको ट्रांसलूशन था टाइप्स का, कि हमें वो दिखाई तो दे रही है उसके, लेकिन कीड़े नहीं दिखाई दे रही। कैन यू थिंक दैट सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूशन मेटेरियल, क्या आप वो एक ट्रांसलूशन मेटेरियल के बारे में और बता सकते हो? वी कैन देयर फॉर ग्रुप द मेटेरियल एज द ओपैक, ए ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूशन। और हमने देख लिया, ग्रुप कर लिया कि कौन कौन सा आइटम क्या है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूशन है। पहली सजेस्टेड द कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद योर पाम। उसने क्या किया, पहली ने एक टॉर्च को क्या किया, अपने पाम से उसको कवर कर दिया गया, कवर किया, एंड विद योर पाम एंड ए डार्क डार्क प्लेस में, एंड स्विच ऑन, और उसका टॉर्च को स्विच ऑन कर दिया है, एंड ऑब्जर्व दैट अदर साइड ऑफ द पाम। अब जब उसने अपनी हथेली को देखा तो सी वांट टू नो देयर द पाम ऑन द योर हैंड इज ओपैक। तो उसने देखा कि जो उसकी जो पाम है वो क्या है, एक तरह से दूसरे ओपैक है, ट्रांसपेरेंस है, ट्रांसलूशन। क्या दिखाई देगा उसको, तो ये ट्रांसलूशन दिखाई देगा, क्योंकि उसको दिखाई तो देगा अपनी हथेली में लाइट, लेकिन उसको क्लियर नहीं दिखाई देगा। वी लर्न दैट द मेटेरियल डिफर इन द देयर अपीरेंसेज एंड द वे दे आर द मिक्स इन द वाटर एंड द अदर लिक्विड। अब हमने देख लिया जो मेटेरियल होता है वो अपनी अपीरेंसेज के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है, किसके अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कुछ तो क्या होगा, कुछ उसमें सिंक हो गया वाटर में, ठीक है, कुछ फ्लोट हो गया, कुछ मतलब सोल्यूबल हो गया, कोई इनसोल्यूबल होगा। तो हमने उसकी प्रॉपर्टीज को देखा, मेटेरियल कैन बी द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, और हमने उसको ग्रुप कर दिया उनके सिमिलरिटीज और डिफिकल्टीज के अकॉर्डिंग। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मेटेरियल, अब हमें क्यों जरूरत जो आवश्यकता है कि हम मेटेरियल को ग्रुप करें। इन द एवरीडे लाइफ वी ऑफन द ग्रुप मेटेरियल फॉर आवर कन्वेंसेज, हमें क्या करना पड़े, क्या करते हैं हम कि आवरी डेली लाइफ में क्या करते हैं कि मेटेरियल को अपनी सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, उनको ग्रुप करते हैं। एट द होम वी द यूजली स्टोर द थिंग्स इन द सच ए मैनर ऑफ द सिमिलर ऑब्जेक्ट एंड द प्लेस टूगेदर। हमने क्या किया, होम में मोस्टली क्या करते हैं कि हम अलग अलग चीज़ों को उनकी प्रॉपर्टीज के अनुसार एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। सच एन अरेंज हेल्प अस टू लोकेट दैम इजली, और आसानी, इससे क्या होगा कि हमें क्या हो जाएगा कि हमें आसानी हो जाएगी कौन सी चीज़ें कहाँ पे कौन सी मेटल की रखी है, जैसे वुडन की अलग कर दिया, टॉयज प्लास्टिक के सामानों को अलग कर दिया, तो मैंने प्रॉपर्टीज़ से हमें आसानी से पता चल जाएगा। सिमिलरली ए ग्रोसर यूजली द कीप ऑल द टाइप ऑफ द बिस्किट एट द वन कॉर्नर और ही शॉप, इसलिए जो ग्रोसर होता है या पंसारी होता है वो क्या कर सकता है, एक साइड में क्या करता है बिस्किट, जिसमें अपनी दुकान में साइड में बिस्किट रख देता है, ऑल द सोप अदर, एक साइड में क्या कर देगा बिस्किट रख देगा, बिस्किट कंटेनर रख देगा, दूसरे में सोप रख देगा, तीसरे में ग्रेन अनाज रख देगा, कि दूसरे में ताले रखता है स्टोर इन द सम, ताकि वो आसानी से यदि कोई ग्राहक आए कस्टमर तो आसानी से वो चीज़ें वहाँ से सर्च करके उसको दे सके। देयर इज़ द अनदर रीज़न कि वाई वी फाइंड द सच ग्रुपिंग यूजफुल, आप दूसरा क्या रीज़न हो सकता है ताकि हम चीज़ों को ग्रुप करें और वो हमारे यूजफुल हो। डिवाइडिंग मेटेरियल इन द ग्रुप मेक इट कन्वेंसेज टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, क्योंकि जो हम मेटेरियल को अलर्ट कर दिए तो हमें आसानी से हो जाएगी उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए, एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, और हमें पैटर्न पता चल जाएगा कि उसकी किस तरह की प्रॉपर्टीज़ है। वी विल स्टडी मोर अबाउट विद द हायर क्लासेज, और हम क्या करेंगे जो भी चीज़ें होगी तो हमारे क्लासेज में और भी ज़्यादा उसको क्लियरली जानेंगे। अब हमें पता चलेगा की वर्ड क्या हार्ड क्या होगी, जो हमें मेटल है कि कुछ हार्ड होता है, कुछ सॉफ्ट होता है, इनसोल्यूबल, सोल्यूबल जो आसानी से नहीं घुलते थे, सैंड हो गया, ठीक है, या ऑयल हो गया, फिर लश्चर जिसमें मेटल होते हैं, लश्चर होता है, चमक होती है अपने, मेटेरियल्स, मेटेरियल के बारे में पता चल गया हमें, मेटल्स के पर जो शाइनिंग होगा, ओपेक होगा जिसे आसानी से नहीं देखा सर, रफ, कुछ मेटल रफ होता है, सोल्यूबल होता है कुछ चीज़ें, ट्रांसलूशन क्या होता है कि जो दूसरी चीज़ें हमें देख तो सकते हैं लेकिन हम क्लियर नहीं दिखा देती, और ट्रांसपेरेंट क्या होता है जिसमें आसानी से हम देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।